हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गीतांजलि की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं यूट्यूब पे हवाइयन गिटार सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिस तरीके से सिखा रही हूँ दोस्तों, किसी ने भी इस तरीके से नहीं सिखाया है। बिल्कुल ABCD सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जैसे मैं अच्छे से सिखाना चाहती हूँ उस तरीके से आप अच्छे से बजाना भी सीखिए। तो आज ने आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हर एक जो वीडियो आप बजाएं, जिसकी प्रैक्टिस शुरू करें, उसको एक हफ्ते बजाने के बाद ही दूसरा वीडियो देखें। तो चलिए दूसरा आगे का अलंकार सिखाती हूँ। अलंकार नंबर 6, छठा अलंकार, इसमें बजेगा, देखिए। दोस्तों आप, मैं चाहती हूँ जो भी सीखे बिल्कुल सही सीखे। और चलिए इसको धीमे धीमे बताती हूँ। देखिए, सास ऐसे करेंगे, सा, फिर सा, रे, गा, गा, रे, फिर इधर जाएंगे, सा, रे, गा, गा, दो बार, फिर रे, गा, मा, मा, फिर गा, मा, प, प, फिर मा, प, ध, ध, फिर प, ध, नी, नी, धा, नी, सा, सा, फिर लौटने के लिए अवरोह में फिर इसी को सा सा दोबारा, सा, सा, सॉरी, फिर इसके बाद इसमें लौटने के लिए फिर सा, नी, धा, धा, तीन स्वरों को लेंगे और जो तीसरा स्वर होगा उसको दो बार बजाएंगे। देखिए, स, नी, ध, ध, फिर नी, ध, प, प, फिर ध, प, म, म, फिर प, म, ग, ग, फिर म, ग, रे, रे, फिर ग, रे, फिर स, स, सा, लिख लीजिए अगर आप नोटबुक में लिखना चाहते हैं, स, रे, ग, ग, रे, ग, म, मा। आप जैसे सा, रे, ग, गा के बाद नीचे कॉमा लगा दीजिए तो ये एक हो गया, सा, रे, ग, ग, फिर कॉमा लगाने के बाद रे, ग, मा, मा, फिर कॉमा, फिर ग, मा, पा, पा, फिर कॉमा, फिर म, प,
ध फिर कौमा, फिर प ध नी नी फिर कौमा, फिर ध नी स स अब लौटेंगे अवरोह में, फिर स नी ध ध फिर कौमा, फिर नी ध प प फिर कौमा, फिर ध प म म फिर कौमा, फिर प म ग ग फिर कौमा, म ग रे रे फिर कौमा, ग रे स स। ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। चलिए फिर आपको बजा के दिखाती हूँ। दोस्तों आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जब प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी उसके आगे बजा पाएंगे गाने, आप तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि नोटेशन को देख के गाने निकालना और हाथ के बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बजा सकते, क्योंकि गाने फ्लो में होते हैं, कोई भी भजन भी तो वो फ्लो में होता है। उसके लिए आपको उसका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उंगलियों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होती है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन, एक साथ बजना कि कब बजेगा कब लौट चलेगी, ये सब का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर मिलेंगे नई क्लास में नए अलंकार के साथ।